वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद आ गई। अपोजिशन ने कौमी असेंबली इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन भी जमा करा दी। अपोजिशन अराकीन का कहना है कि तहरीक पर मतलूबा तादाद से ज्यादा मेंबरान के दस्तखत हैं। वज़ीर-ए-आज़म के रुखसत होने का वक्त आ चुका है। इस्लामाबाद से रेहान शेख की रिपोर्ट देखते हैं। तहरीके अदम एतमाद आ गई, इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन भी आ गई। अपोजिशन ने स्पीकर कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में बड़ी मूव चल दी। पार्लियामेंट में अपोजिशन के अराकीन इकट्ठे हुए, इजलास बुलाने की दरख्वास्त और तहरीके अदम एतमाद असेंबली सेक्रेटेरिएट जमा कराने स्पीकर चैम्बर में पहुंचे। स्पीकर असद कैसर की गैर मौजूदगी में एडिशनल सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद ने अपोजिशन से कागजात वसूल किए। अपोजिशन अराकीन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तहरीके अदम एतमाद और रिक्वेजिशन पर मतलूबा नंबर से ज्यादा अराकीन के दस्तखत हैं। अब वजीर आजम के घर जाने का वक्त आ चुका। अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दी गई है, रिक्वेजिशन ऑफ सेशन की भी जमा करा दी गई है और दस्तखतों के साथ रेजोल्यूशन भी जमा करा दी। जितने दरकार दस्तखत है उससे ज्यादा ही। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इमरान खान साहब घर जाएं। तीन मुख्तलिफ चीजें जमा कराई है, एक रिक्वेजिशन का नोटिस है, एक मोशन है जो कि अदम एतमाद है अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर और एक रेजोल्यूशन है। हमने 100 से ज्यादा के नंबर जमा कराए हैं, रिक्वेजिशन के लिए भी नोटिस जो दिया है उसका भी और जो रेजोल्यूशन दी है उसके भी। तो जो लीगल रिक्वायरमेंट है आइन के मुताबिक और रूल्स के मुताबिक वो तमाम की तमाम जो है वो पूरी कर दी है और इंशाल्लाह आज से जो उल्टी गिनती है वज़ीर आज़म के घर जाने की वो शुरू हो गई। ऐसे वक्त में सब नजरें स्पीकर चैम्बर पर थीं तो स्पीकर असद कैसर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के साथ उनके चैम्बर में मौजूद थे। रेहान शेख, आज न्यूज़, इस्लामाबाद।